राम राम साहब। साथियों, कल 25 नवंबर को लोकतंत्र के महापर्व में सभी मतदाताओं को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही इस महापर्व में हम सब लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, क्योंकि आज हम सब लोग आने वाले 5 वर्षों के लिए एक नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं, तो उसमें हम सब लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और मैंने आप सब लोगों के बीच में पिछले 5 वर्षों तक एक जनसेवक के रूप में काम किया है, जिसमें शिक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, चिकित्सा से जुड़ा मुद्दा हो, सड़क से जुड़ा मुद्दा हो, पेयजल की व्यवस्था हो या अन्य सामाजिक जो या धार्मिक जो कार्यक्रम रहे या धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उनको लेकर पिछले 5 वर्षों में इस प्रबल विधानसभा क्षेत्र में हम सब लोगों ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। आज हम सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि पिछले 5 वर्षों में जब भी जनता के बीच में जाना हुआ या जनता का विधायक सेवक के अंदर आना हुआ तब केवल विकास के मुद्दे की बात होती थी, लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विपक्षी लोग बौखला गए हैं और रोज नए हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी किसी की गाड़ी तोड़ रहे हैं, कभी ऑडियो, कभी वीडियो वायरल करके आपस में जो हमारा भाईचारा हम सब लोगों ने पिछले 5 वर्षों में कायम किया